रियल न्यूज हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों का करण समैन की राम राम। आपने छबील देखी होगी, ठंडा पानी की, लासी की, तरबूज की। लेकिन डांगरा गांव के जो युवा है नहीं, उन्होंने एक अलग ही कमाल करे। आप सोच के हैरान रह जाओगे कि बिदामा वाली खीर की छबील लगाई है। ये देख लो कितनी भीड़ लग गई है। उन युवा उन्हें दिखा देवे एक बारी, वो साथी पीने लग रहे हैं देखो। और आप देखने लग रहे हो कि इस तपती गर्मी में ठंडी खीर और चोल कम बिदाम ज़्यादा गेट रखे हैं। पूरी जानकारी प्राप्त करांगे कि किसने लगाई है, कुकर लगाई है, क्योंकि ठंडा पानी की जो छबील है वो लगातार आप देखते आने लग रहे हैं। और इतनी है नहीं कुकर ना अल अल अला अबे देखा, अबे तरबूज खी के नाम है, ठंडा जल लासी, लगातार इस प्रकार की जो वो छबील है लगाई जाने लग रही है। आगे आज मैं शोगी ने कहूँगा एक बारी दिखाया देख दे दर्शकों का नहीं विश्वास नहीं हुआ भाई डांगरा वाले ने काय कहना कुआ दी भाई बिदाम वाली खीर सही दिखा दे भाई सारी चोल गोनी इसमें निरे बिदाम काजू पिस्ते जो भी ड्राई फ्रूट हो नहीं वो डाल रखे है। और न्यू पूछांगे आज इन भाइयों पर युवाओं पर भाई किस उपलक्ष्य में लगाई है और किसने लगाई है। भाई साहब इस साइड आ जाओ, थोड़ा सा पूरा आ जाओ, बता दो सारे ये आगे। भाई साहब राम राम। सबसे पहले तो सभी आपके दर्शकों को देखने वाले को जो है राम राम। और इस वीडियो को, इस खबर ज़्यादा शेयर करें। हमारे यहाँ पर बहुत ही प्राचीन बाबा फुलकर जी की समाधि है, उसके आशीर्वाद से, गांव के आशीर्वाद से युवाओं ने जो है एक बीड़ा उठाया कि आने जाने वाले राहगीरों को ठंडी खीर का जो है प्रसाद सभी को हम यहाँ दे रहे हैं डांगरा गांव के अंदर। और युवाओं ने ठाना है कि भाई आज जो है छबील कोई ठंडे पानी लगाता है, तरबूज की लगाता है। आज हमने बाबा फुलकर जी के आशीर्वाद से, युवाओं के सहयोग से, बुजुर्गों के आशीर्वाद से ठंडे जो है खीर की हमने जो है छबील के तौर पर, प्रसाद के तौर पर आज हमने लगाई है। और सभी आने जाने वालों को हम प्रसाद जो है वितरण करें खीर का, और सभी के ऊपर बाबा फुलकर जी का आशीर्वाद बना रहे, यही मैं मनोकामना करता हूं। तो भाई आपने सुना होगा कि मुंडा मंगता भी दम वाली खीर कुड़ियो। ये देखो सारे युवा साथी हैं भाई साहब, मारा गाने भी कर लो थोड़ा ध्यान। आपने बहुत बड़ा काम कर रखा है। क्या कहोगे जो अभी दम वाली खीर आपने एक प्रसाद का रूप में लगाई है, क्या कहना चाहोगे? देखो डांगरा गांव में बाबा फुलकर जी की मानता है और 12 के दिन हम इसकी पूजा करते हैं। और इसी के बाबा फुलकर के नाम पर इंद्र भगवान खुश भी हो जाए, थोड़ा गर्मी से राहत मिल जाए, ये प्रसाद का रूप में हमने सेवा की है। मैं देखो आपने देखा होगा कि डांगरा गांव के हैं नहीं युवा हैं नहीं अलग काम करने में एक टुहाना क्षेत्र में सबसे आगे रवे हैं भाई साहब। ठंडा पानी लगा देंदे, तरबूज लगा देंदे, खीर का किस तरह विचार आया? खीर का देखो ये प्रसाद के रूप में करे बाबा फुलकर जी का जी, जी, जी। ये तो ठंडी ऊपर दे खीर जी, गर्मी से रात भी मिल जाएगी बाबा जी का प्रसाद भी हो जाएगा। कम ड्राई फ्रूट ज्यादा, सारे ड्राई फ्रूट ये चावल नाम मात्र ही है, खा के देखो पता लग जाएगा आपने। बिल्कुल भाई जरूर खावांगे भाई, एक बार पूरा साथी कड़ी दिखा दे सारा। नीचे बर्फ लगा रखी है, मैं खीर गाल रखी है और पीछे उसका और दिखा दे, उतर डाएगा ठंडी करण लग रहा है भाई खीर ने। इस प्रकार आप इस जो वीडियो ने देखने लग रहे हो एक बार शेयर करो भाई साहब, आप क्या कहना? बस बस जय बाबा फुलकर महाराज की जय हो। तो भाई देखो बाबा फुलकर महाराज की जय बोलने लग रहे हैं सारे, और सारे साथी इसने शेयर करो। और जो देखने लग रहे हैं नी जिस टाइम तक यह खीर का भंडारा चल रहा, आप भी आकर खास को हो लगातार वीडियो में शेयर करो। फिर नई अपडेट के साथ आपने मिलांगे, उस टाइम तक जय हिंद जय भारत। पुरा दिखा देगा कितनी भीड़ लग रही है एक बारी राहगीरों को, हर राहगीर ने रोक रोक कहना ये खीर खड़ाना लग रहे हैं, प्रसाद खुआना लग रहे हैं, ठंडी खीर खा के हर कोई। उन युवा साथियों पर जानकारी लेवांगे भाई, जो खीर खा कहना है उन्हें किस प्रकार का महसूस कर रहे हैं भाई साहब। राम 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 भाई। भाई साहब ठंडी खीर खा कहना, क्योंकि पानी का, तरबूज का और सभी लाभ लग दी देखिए, खीर खा के कैसा महसूस कर रहे हो? बहुत बढ़िया हो रहा है भाई, बढ़िया है, बहुत बढ़िया। तो एक अलग ही पहलवान हो इसने ना, बहुत बढ़िया कर रहे हैं जी। तो भाई हर युवा हर साथी ये कह रहे हैं भाई बहुत बढ़िया है, तो लगातार इस वीडियो में शेयर करते रहो भाई, फिर मिलांगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।